नमस्कार, मैं हूं अदिति और फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दिल्ली सरकार ने आज से रविवार तक सभी स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू करने पर फिर से फैसला ले सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 20 सबसे प्रदूषित देशों में भारत का नाम 13 नंबर पे है। इसमें राजधानी दिल्ली सबसे ऊपर है, इसके बाद पटना, रायपुर और ग्वालियर का नंबर आता है। हिमाचल में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए हैं। 68 सीटों में करीब 50 लाख वोटर्स ने वोट डाले हैं। इन 68 सीटों पर 337 उम्मीदवार हैं। नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस सहित कई विपक्ष दलों ने जहां काला दिवस मनाया, वहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय सरकार को बधाई दी है। बीएसएफ के साथ सीमा वार्ता के लिए पाक रेंजर टीम भारत पहुंची है। दोनों पक्ष पिछले जुलाई को मिले थे, जब बीएसएफ के प्रतिनिधि मंडल लाहौर गया था। यूनेस्को ने संगीत के क्षेत्र में चेन्नई को रचनात्मक शहर की संज्ञा दी है। इनमें 44 देशों की 64 शहर शामिल है। यूनेस्को ने संगीत समृद्धि परंपरा में योगदान के लिए तमिलनाडु के चेन्नई को शामिल किया है। केंद्र सरकार के सेवन पे कमीशन के सिफारिश के मुताबिक मिनिमम सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 करने की मंजूरी सरकार पहले दे दी है, लेकिन कुछ ऐसी खबर आ रही है कि ये 18000 से बढ़ाकर 21000 कर दी गई है। प्रद्युम्न हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। सीबीआई ने 11 क्लास के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। वो हत्यारोपी छात्र को अदालत ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। चीन ने कहा है कि वन बेल्ट और रोड परियोजना के मुद्दे पर नई दिल्ली की रवैया दुलमुल रहा है। चीन ने भारत का डर कम करने की कोशिश करते हुए कहा है कि इस परियोजना के मुख्य हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर होकर गुजरेगा। देशों के दो दिग्गज खिलाड़ी पीवी सिंधु और साइना नेहवाल कल आमने सामने लड़ी। साइना नेहवाल ने पीवी सिंधु को 21-17 और 27-15 से हराकर ट्रॉफी जीत ली है। आज के फटाफट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। नमस्कार।